हस्बैंड को वाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो इस वजह से वाइफ का सर्वेंट के साथ अफेयर हो जाता है। जब लोगों को इस अफेयर के बारे में पता चला तो लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, पर हमारे मेन कैरेक्टर किसी भी हालत में एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब एक किस हद तक जाएंगे या आज की हमारी मूवी लेडी मैकबेथ 2016 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना इसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते ही हम हमारी मेन कैरेक्टर की शादी देखते हैं, जिसका नाम था कैथरीन। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली में उसकी मैरिज हुई थी। यह हमारा वक्त 1800s का है। कैथरीन को उसकी फर्स्ट नाइट के लिए रेडी किया गया। उसका हस्बैंड अलेक्जेंडर फिर उसके पास आता है। उसने उससे कहा कि यहाँ पर बहुत ठंडी होती है, तुम्हें घर को अच्छी तरीके से मेंटेन रखना पड़ेगा, हमेशा घर में ही रहना और आज से बाहर मत निकलना। कैथरीन ने कहा कि मुझे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, पर उसका हस्बैंड इस बात के लिए नहीं मानता। उसने कैथरीन को उसके कपड़े निकालने के लिए कहे, पर उसके साथ वो कुछ भी नहीं करता। वैसे वो रात में सो जाता है। अगली रात भी कैथरीन के सर्वेंट ने उसे रेडी किया, पर उसका हस्बैंड उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। एक दिन इनके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी और यहाँ पर अलेक्जेंडर के फादर भी आए हुए थे। सारे आदमियों की बातों में कैथरीन को बहुत ही बोर होता है, तो वहाँ से वो जाने लग गए। कैथरीन के फादर इन लॉ से कहे थे कि आजकल तुम बहुत ही थकी थकी लगती हो, ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारी मेरी बेटी की एज अ वाइफ कुछ ड्यूटीज़ है जो तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब तक मेरा बेटा तुम्हारे रूम में नहीं आ जाता तब तक तुम्हें जगना पड़ेगा। कैथरीन पर नज़र रखने की ऑर्डर उसने सर्वेंट को दी। कैथरीन को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, पर सर्वेंट उसे सोने नहीं देती। सर्वेंट का नाम है एना। हमेशा एना कैथरीन के आसपास ही रहती थी, तो कैथरीन को अच्छा नहीं लगता था। रात में ज़रा लेट अलेक्जेंडर कैथरीन के पास आया। उसे वो कपड़े निकालने के लिए कहता है और फिर खुद को प्लीज करता है। कुछ दिनों बाद अचानक से अलेक्जेंडर को कहीं पर जाना पड़ा। कैथरीन ने अपने फादर इन लॉ से पूछा कि वो कहाँ पर है। वो कहते हैं कि वॉर की वजह से उसे जाना पड़ा है, तुम ज़रा रेस्ट करना ताकि जब वो वापस आए तुम्हारी एनर्जी अच्छी बनी रहे, अपनी ड्यूटीज तुम निभा पाओ। उसे घर से कहीं भी जाने के लिए मना करता है। फादर इन लॉ को भी काम था तो अपने काम से वो दूर चले गए। कैथरीन किसी के भी मानने वालों में से नहीं थी। उसे बाहर जाना अच्छा लगता था तो सब कुछ एंजॉय करती है। एक दिन कैथरीन ने एना की चीखें सुनी। उसे हर जगह पर ढूंढती है। सर्वेंट के चैम्बर में उसे ज़बरदस्ती की जा रही थी। कैथरीन ने यहाँ पर सेबेस्टियन को फर्स्ट टाइम देखा। वो भी एक न्यू सर्वेंट था। कैथरीन कहती कि काम करने की जगह पर तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। उसने एना को बचा लिया। वो सेबेस्टियन से पूछती है कि तुम्हें कर क्या रहे थे। सेबेस्टियन कहता है कि एना को टंगा कर हम शिप का वेट देख रहे थे। एना ने पूछा कि मेरा वेट क्या होगा। सेबेस्टियन मौके का फ़ायदा उठाकर एना को भी पकड़ रहा था, तो एना उसे झटक कर चली जाती है। दिन भर घर में रहकर कैथरीन को रात में नींद नहीं आती। आज ठंडी ज़रा ज़्यादा थी और बारिश भी हो सकती थी, तो एना ने कैथरीन को घर में रुकने के लिए कहा, पर कैथरीन मानती नहीं। खेतों से गुजरते हुए सेबेस्टियन कैथरीन से बात करता है, पर कैथरीन उसे ज़्यादा कुछ भी भाव नहीं देती। वो बारिश में भीग गई तो एना उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर कैथरीन को अच्छा नहीं लगता। अपने रूम के बाहर से रात में उसे कुछ आवाज़ आई। उसने देखा तो सेबेस्टियन बाहर खड़ा था। वो कहता है कि मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। कैथरीन पूछती कि तुम चाहते क्या हो, तो सेबेस्टियन ने उसे पकड़ लिया। उसे पहले रेजिस्ट करने की कोशिश कर दिया, पर बाद में उसने उसे किस कर लिया। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। अगली सुबह कैथरीन के कपड़े इधर उधर देख कर एना को सब कुछ समझ में आ जाता है। सेबेस्टियन और कैथरीन ने अपना अफेयर कंटिन्यू किया। कैथरीन आजकल चर्च में जा नहीं रही थी, तो फादर इन लॉ का एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आ जाता है। उसने कहा कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, चर्च में आना अच्छा होता है। ये सब बातें कैथरीन को अच्छी नहीं लगती, उसे घर से बाहर निकाल देती है। एक दिन काम करते वक्त एना और सेबेस्टियन मिले। एना कहती कि तुम्हारे और कैथरीन के बीच जो भी चल रहा है ये सब बहुत ही ज़्यादा गलत है, अगर हमारे सर को ये सब बात पता चली तो बहुत बुरा होगा। सेबेस्टियन कहता है कि मैं तुम पर नज़र रखूँगा। एक सर्वेंट को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते थे। कैथरीन और सेबेस्टियन के रोमांस को लेकर एना भी ज़रा क्यूरियस थी। रात में उनके डोर के की होल से उन्हें वो देखा करती थी। एक दिन कैथरीन के फादर इन लॉ घर पर वापस आ गए। डिनर के वक्त वो कैथरीन से कहते हैं तुम घर को अच्छे से चला नहीं रही। उन्होंने सर्वेंट से एक टाइप की वाइन मांगी, पर कैथरीन ने ऑलरेडी ये सब पी ली थी। वो समझ नहीं पाती कि ख़त्म कैसे हो गए। एना हमेशा कैथरीन के साथ ही रहती है, तो उसके खिलाफ वो बोल नहीं सकती। फादर इन लॉ गुस्सा हो गए और एना को एज ए एनिमल की तरह चलते हुए जाने की सजा देते हैं। अगले दिन उन्हें कैथरीन और सेबेस्टियन के बारे में किसी ने बता दिया, तो सेबेस्टियन को बहुत मारते हैं। उसे एक जगह पर उन्होंने बंद करके रखा। कैथरीन उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो कहाँ पर है इसके बारे में उसे पता ही नहीं था। कैथरीन अपने फादर इन लॉ के पास आए, उनसे कहती कि सेबेस्टियन को जाने दीजिए। फादर इन लॉ बहुत ही गुस्से में थे,
उन्होंने कहा कि तुम हर एक चीज में फेल हो चुकी हो। कैथरीन कहती कि तुम्हारा बेटा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं आगे के काम कैसे कर सकती हूँ। फादर इन लॉ गुस्से में उसे स्लैप कर देते हैं। थोड़ी दिनों बाद फादर इन लॉ ने कैथरीन से वैसे बात की। उन्होंने कहा कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, इस घर का और तुम्हारे पति का तुम्हें सिर्फ अच्छे से ख्याल रखना है। कैथरीन कहती कि सेबेस्टियन को छोड़ दीजिए। फादर इन लॉ फिर से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उनके जाने के बाद कैथरीन ब्रेकफास्ट करने लग गए। वैना को भी उसके पास बिठा लेती है, उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग गए। अचानक से फादर इन लॉ की आवाज़ें आती है, कैथरीन ने उन्हें पॉइजन कर दिया था और वो मर रहे थे। कैथरीन आना को उनकी हेल्प करने के लिए नहीं जाने देती। इसके बाद कैथरीन ने सेबेस्टियन को ढूंढ कर वहाँ से बचा लिया। फादर इन लॉ को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को लगा कि फादर इन लॉ की एज ज़रा ज़्यादा हो गई थी तो नेचुरली उनकी डेथ हो गई। ये सब देखने के बाद एना को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। कैथरीन को उसके हस्बैंड का लेटर मिला जिसमें लिखा था कि अपने फादर की फ्यूनरल के लिए वो नहीं आने वाला। सेबेस्टियन ज़रा डरता है कि अलेक्जेंडर के आने के बाद क्या होगा, पर कैथरीन कहती है कि अपने फादर को हेट करता था, शायद वो फिर से वापस भी ना आए। फ्यूनरल हो जाने के बाद वो सेबेस्टियन के साथ सबके सामने रह रही थी। एक दिन वो एना को अपने पास बुलाती है। उसे डाउट आने लग गया था कि शायद जिस तरीके से उसने अपने फादर इन लॉ को मार डाला उसी तरीके से एना भी उसे पॉइजन कर सकती है, तो उसने अपने लिए एक नई कुक बनवाई। आज से न्यू लड़की उसके लिए कुक करेगी। एना की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बात करनी चाहिए। सेबेस्टियन डर रहा था एना अगर बोलने लग गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैथरीन कहती कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सेबेस्टियन हाँ कहता है। कैथरीन ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। सेबेस्टियन कहता है कि हम दोनों तो मैरिड कपल की तरह बात करते हैं। एक रात जब वे साथ सोए थे तो अचानक से कैथरीन का हस्बैंड आ जाता है। कैथरीन ने जल्दी से सेबेस्टियन को क्लोजेट में बंद कर दिया। अलेक्जेंडर रूम में आकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं आ चुका हूँ? कैथरीन ने कहा कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी। अलेक्जेंडर कहता है कि बहुत दूर से मैंने कोई भी आवाज़ नहीं की थी। बेड की तरफ देखकर उसने कहा कि दो लोगों के लिए बेड क्यों बनवाया हुआ है? कैथरीन ने कहा कि मुझे लगा कि आपके फादर के जाने के बाद आप फिर से वापस आ जाओगे, तब से मैं बेड बनवा रही हूँ। कैथरीन का वेट जरा बढ़ चुका था तो ये भी वो चीज़ नोटिस करता है। कैथरीन इस कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए उसके लिए चाय लेकर आती है। अलेक्जेंडर ने कहा कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है, तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था, आज से तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगी, उसे हम हमेशा के लिए कैद करके रखेंगे। कैथरीन गुस्सा हो गई और सेबेस्टियन को क्लोजेट से बाहर निकाल दिया और अलेक्जेंडर के सामने उसके साथ इंटीमेट होने लग गए। अलेक्जेंडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और सेबेस्टियन को मारने लग गया, उस पर बहुत भारी पड़ रहा था तो कैथरीन ने एक चीज़ ली और अलेक्जेंडर को मार डाला। ये दोनों मिलकर फिर अलेक्जेंडर की बॉडी का ठिकाना लगाते हैं। कैथरीन अलेक्जेंडर के घोड़े को भी दूर लेकर गई और उसने उसे मार डाला। मर्डर वेपन को रिवर में डाल देती है। ये सब करने के बाद सेबेस्टियन को नींद नहीं आती, वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। कैथरीन उसके पास आती थी तो ये भी चीज़ उसे बहुत ही अजीब लगती थी। कैथरीन ने कहा कि मैंने सब कुछ हमारे लिए किया है, हम दोनों अब हमेशा एक साथ रह सकते हैं। उसे फाइनली मना ही लेती है। सेबेस्टियन अब घर के हेड की तरह रहने लग गया था। एना अब भी कुछ भी बोल नहीं रही थी। एक दिन कैथरीन से मिलने के लिए एक औरत आई जिसका नाम था एग्नेस। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम हम जॉनी रखेंगे। एग्नेस ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड का एक बेटा है, मेरी बेटी से उसका अफेयर था। जब मेरी बेटी की डेथ हुई तो अलेक्जेंडर ने लीगली इसे अपना बच्चा बना लिया था। कैथरीन को इस बात से बहुत शौक लगता है। उसने एग्नेस की इसके पेपर्स मांगे पर यह सब कुछ लीजिट था। बहुत दिनों से अब अलेक्जेंडर घर पर आया नहीं है तो सबको लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसी वजह से एग्नेस यहाँ पर आई हुई थी। उसका कहना था कि वो और जॉनी अब कैथरीन के साथ ही रहे, लीगली इस घर में भी उसका हिस्सा है। इसके बाद वो घर में रहने के लिए आ जाते हैं। अब सबके सामने कैथरीन और सेबेस्टियन नहीं रह सकते। सेबेस्टियन कैथरीन से कहता है कि वो कुछ फेक होंगे। सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कैथरीन ने कहा कि उनके पेपर्स अच्छे हैं। इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एग्नेस ने कैथरीन से कहा कि जॉनी का रूम तुम्हारे रूम के पास रख देते, इससे रात में उसे डर नहीं लगेगा। कैथरीन ने इसका गुस्सा निकालने के लिए एग्नेस को एक छोटा सा रूम दिया। एक दिन कैथरीन सेबेस्टियन से मिलने के लिए आ रही थी पर रास्ते में जॉनी उसे रोक लेता है। कहता है कि क्या मैं आपके साथ घूमने के लिए आ सकता हूँ? कैथरीन इसके लिए मना नहीं कर पाती। जॉनी एक बहुत ही स्वीट सा लड़का था। कैथरीन भी जब छोटी थी तभी उसकी मदर गुजर गई थी तो इस वजह से उससे वो कनेक्ट कर पाता है। उसने पूछा कि क्या तुम अपनी मदर को मिस करती हो? कैथरीन हाँ कहती है तो वो भी कहता है कि मैं भी अपनी मदर को बहुत मिस करता हूँ। एक दिन काम करते करते एना के सामने सेबेस्टियन आ गया। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। एना उससे बहुत ही डरती है तो वहाँ से भाग जाती है। एक रात कैथरीन सेबेस्टियन से मिलने के लिए आ गई। सेबेस्टियन कहता है कि जल्दी से वापस चली जाओ।
अगर हम दोनों के बारे में किसी को भी पता चल गया तो मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे। अगले दिन सिबेस्टियन बाहर जा रहा था तो कैथरीन भी उसका पीछा करने लग गई। जॉनी खेल रहा था, कैथरीन को देखकर कहता है कि मेरा गेम देखो, पर कैथरीन उसे झटक कर चली जाती है। जॉनी रोने लग गया। कैथरीन सिबेस्टियन को ढूंढ नहीं पाई, पर उसे थोड़ी देर में न्यूज़ मिलती है कि जॉनी कहीं पर भाग गया है। सिबेस्टियन ने भी उसे ढूंढने में मदद की। वो एक वाटरफॉल के पास बैठा हुआ था। उसे एक मोमेंट पर ख्याल आता है कि यहीं पर वो जॉनी को मार सकता है, पर वो कर नहीं पाता। वो फिर जॉनी को घर पर लेकर आया। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी तो जॉनी की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। सिबेस्टियन ने कहा कि जल्दी से इसका ख्याल रखिए। सिबेस्टियन का इस तरीके से घर में ऑर्डर देना एग्नेस को अच्छा नहीं लगता। उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। गुस्से में सिबेस्टियन घर छोड़कर जा रहा था और कैथरीन कहती कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सिबेस्टियन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वाटरफॉल के पास में उसे मारने वाला था, मेरा ये सब करना गलत है। कैथरीन ने कहा कि प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो और यहीं पर रुको। वो फिर जॉनी और एग्नेस के पास आती है। उसने एग्नेस से कहा कि आप जाकर सो जाइए, जॉनी जब उठेगा तब उसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। एग्नेस के जाने के बाद पीछे के दरवाजे से सिबेस्टियन को उसने अंदर बुला लिया। मौके का फ़ायदा उठाकर फिर ये दोनों जॉनी को मार डालते हैं। सुबह होने पर कैथरीन रोने का नाटक करती है। सिबेस्टियन ने जो भी किया इसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। कैथरीन ने डॉक्टर से कहा कि मेरी नींद लग गई थी, जब मैं उठी तो जॉनी की डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि क्या आप बहुत टाइम के लिए सोई हुई थी। जॉनी की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान है, इसका मतलब है किसी ने उसका मर्डर किया है। कैथरीन ने कहा कि वो वाटरफॉल के पास था, शायद वहीं पर उसे कुछ चोट लगी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे किसी ने मार डाला है। ये सुनकर एग्नेस को बहुत शॉक लगा। डायरेक्टर को बुलाया गया और कन्फ्रंटेशन जब चल रही थी तो सिबेस्टियन यहाँ पर पहुँच जाता है। उसने सब कुछ सच सच बता दिया, कहा कि कैथरीन और मेरे बीच में अफेयर चल रहा है, उसी वजह से हमें जॉनी को मारना पड़ा। मुझे लगा था कि मैं कैथरीन से बहुत प्यार करता हूँ, पर एक डिसीज़ की तरह है, उसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था, ये मैं कभी भी करना नहीं चाहता था। कैथरीन कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, इसका और एना का अफेयर चल रहा था, उसी वजह से मेरे फादर इन लॉ ने इसे बहुत मारा था, शायद एना और सिबेस्टियन ने मिलकर मेरे फादर इन लॉ को मार डाला। जॉनी मेरे बच्चे की तरह था, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। उस वक्त वैसे भी सर्वन की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता था, तो सब लोग कैथरीन की बात मान जाते हैं। एना को बुलाया गया और कन्फ्रंट किया गया, पर शौक की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती। कैथरीन के नाटक की वजह से सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। सिबेस्टियन और एना को हमेशा के लिए जेल में टाल दिया जाता है। कैथरीन अब और भी पावरफुल बन चुकी थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। कैथरीन हमेशा कहा करती थी कि प्यार के लिए वो सब कुछ कर रही है, पर खुद को सेव करने के लिए अपने प्यार को भी वो सेक्रीफाइस कर सकती है। वो सिर्फ हमेशा पावर में रहना चाहती थी। इसी एक डार्क टर्न के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।